नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 जून मंगलवार शाम 4 बजे राजस्थान की टॉप खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। राजसमंद जिले के अमेठ के सरदारगढ़ तालाब में आज मंगलवार सुबह फॉरेस्ट गार्ड का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गार्ड कुंभलगढ़ रेंज में कार्यरत था। शव मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। जानकारी के अनुसार कुंभलगढ़ रेंज में कार्यरत फॉरेस्ट गार्ड देवी सिंह सोमवार शाम से लापता था। रात को पुलिस को सरदारगढ़ तालाब के किनारे कपड़े मिले तो उन्होंने उसकी खोज शुरू की। आज मंगलवार सुबह राजसमंद से गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची तथा करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने शव को निकाल लिया। बाड़मेर जिले में चालक को नींद की झपकी आने से एक ट्रक अंबेडकर सर्किल में घुस गया। इससे सर्किल की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को शांति भंग के आरोप में हिरासत में ले लिया। कोतवाल राम प्रताप चारण ने बताया कि जैसलमेर से एक ट्रेलर चालक बाड़मेर पहुंचा था। नींद की झपकी आने से ट्रेलर संतुलन खो जाने से अंबेडकर सर्किल में घुस गया। पुलिस ने चालक उगमलाल उर्फ उगाराम भील निवासी जूना पत्रासर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में चालक ने बताया कि उसे नींद की झपकी आ गई थी और ट्रक संतुलन खो गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 की उत्तर कुंजी जारी नहीं करने और कट ऑफ मार्क्स नहीं बताने पर आरपीएससी सचिव माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस एसपी शर्मा की एकल पीठ में शंकरलाल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर ये आदेश दिए हैं। अदालत ने नोटिस जारी कर 9 जून तक जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के 3 महीने बाद भी भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी और कट ऑफ मार्क्स की जानकारी नहीं दी थी। बाड़मेर जिले के धौरी मन्ना पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से देशी कट्टा में 4 जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बदमाश देशी कट्टा के साथ घूम रहे हैं। इस पर पुलिस टीम ने दबिश देते हुए स्कॉर्पियो गाड़ी के चालक नरपत जाट उर्फ नरपत राम उर्फ नरपत सिंह पुत्र पन्नाराम निवासी सूरते की बेरी दूदू को पकड़कर तलाशी लेने पर एक अवैध देशी पिस्टल में 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। आरोपी को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। चूरू जिले के सरदार शहर में 8,75,000 रुपए का 140 किलो डोडा पोस्त चूरा व छिलका बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर भानीपुरा पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है जो ट्रक में डोडा पोस्त भर कर ले जा रहे थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जयपुर के मानसरोवर शास्त्री नगर व हसनपुरा में फर्जी आधार कार्ड से गरीबों में बटने वाले गेहूं के गबन का मामला सामने आया है। पिछले 4 साल से राशन कार्ड धारियों को पता ही नहीं कि उनके नाम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत मिलने वाला गेहूं कोई और ही उठा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गरीब परिवारों को 2 का गेहूं फ्री देने का ऐलान किया था। इसकी पड़ताल करने ही राशन कार्ड धारी डीलर्स के पास पहुंचे, तब कहीं जाकर इसका खुलासा हुआ। अब तक 4 साल में गरीबों का 20 टन गेहूं हड़प कर बाजार में बेच डाला। कोरोना संकट के बीच जयपुर जिले के गौशालों के लिए राहत भरी खबर है। जिला गौपालन समिति ने विभिन्न ट्रस्ट समितियों और संस्थाओं की ओर से संचालित रजिस्टर्ड गौशालों के लिए फरवरी मार्च के अनुदान की राशि जारी कर दी है। इन गौशालों को 8,75,00,000 से ज्यादा राशि का भुगतान किया जाएगा। जिला गौपालन समिति और जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि जिले में कुल 135 पंजीकृत गौशालाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें से 200 से अधिक गौवंश को संधारित करने वाली 66 गौशालों के लिए अनुदान राशि जारी की गई है। बड़े गौवंश के लिए 40 रुपए तथा छोटे गौवंश के लिए 20 रुपए प्रतिदिन की दर से अनुदान दिया जाता है। बूंदी जिले के कापरिन कस्बे के ई मित्र केंद्र पर रुपए निकलवाने के लिए कतार में खड़े बलकासा निवासी किसान प्रगट सिंह की जेब से 50,000 रुपए की नकदी पार हो गई। किसान प्रगट सिंह ने बताया कि पूर्व में उधार ली गई रकम चुकाने के लिए अपने पुत्र कुल प्रकाश सिंह के साथ बैंक से रुपए निकलवाने के लिए आया था। कुल प्रकाश सिंह बैंक में 50,000 रुपए निकालवाने चला गया और बैंक के पास ही मित्र केंद्र पर शेष रकम 10,000 निकलवाने के लिए कतार में खड़ा हो गया। कुछ देर बाद पुत्र फूल प्रकाश सिंह 50,000 रुपए लेकर पिता के पास कतार में पहुंचा और रुपए दिए। इस दौरान किसी ने उसकी जेब से 50,000 रुपए निकाल लिए। सीकर जिले के सिहोट छोटी में सेल्समैन से मारपीट कर बदमाश शराब की दुकान से 45,000 लूट ले गए। सदर थाने के भेबाराम पुत्र मोहन राम निवासी माजीपुर ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि रात को करीब 11 बजे वह सिहोट छोटी में
शराब की दुकान के बाहर सो रहा था। उसके जीजा का शराब का ठेका है। तभी बिना नंबर कैंपर गाड़ी आई, उसमें बजरंगलाल, गणेश धबाई, छोटू धबाई वे तीन चार अन्य लोग गाड़ी से उतर कर आए। वे लाठी सरियों से मारपीट करने लग गए। बदमाशों ने उसके जेब में रखे 45,000 रुपए निकाल लिए। इसके बाद ठेके को लूटने के लिए चाबी मांगने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, जिसके बाद आरोपी भाग गए। केंद्र सरकार कोविड-19 के चलते लागू लॉकडाउन में बेहाल हुई बिजली कंपनियों को राहत देने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बिजली उत्पादक कंपनियों का ब्यौरा मांगा है, जिनसे विद्युत वितरण कंपनियां बिजली खरीदती हैं। केंद्र सरकार इन कंपनियों को बिजली खरीद के पेटे बकाया भुगतान करेगी। अजमेर डिस्कॉम को केंद्रीय बिजली उत्पादन कंपनियों जिनमें NTPC, NHPC, न्यूक्लियर पावर आदि को 1,011 करोड़ रुपए का बकाया चुकाना है। डिस्कॉम ने इसका विवरण भेजा है। अजमेर डिस्कॉम प्रति माह 750 करोड़ रुपए की बिजली खरीदता है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.